नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सीने में दर्द और इन्फेक्शन की वजह से उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल से ही उनकी पत्नी सायरा बानो लगातार सेहत को लेकर अपडेट दे रही है। जब दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मीडिया में खलबली मच गई। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर दिलीप साहब अस्पताल में भर्ती क्यों हुए हैं, आखिर क्या वजह है उनके अस्पताल में भर्ती होने के पीछे। दिलीप साहब के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल सायरा बानो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिलीप साहब को निमोनिया हुआ है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में निमोनिया की बात सामने आई है। सायरा बानो ने ये भी बताया कि दिलीप साहब जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आपको बता दें कि सायरा बानो दिलीप कुमार के ही ट्विटर हैंडल से उनकी सेहत के बारे में जानकारी देती है। उन्होंने लिखा था कि दिलीप साहब मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सीने में दर्द और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से वो परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं की जरूरत है। दिलीप साहब जब अस्पताल में भर्ती हुए, न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल मच गई। फैंस लगातार उनकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे थे। यहाँ तक कि लता मंगेशकर ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी। लता जी ने ट्वीट किया था कि सायरा बीवी, आपने लिखा है कि यूसुफ भाई अस्पताल में हैं। मुझे जानकर चिंता हो रही है। मैं यूसुफ साहब की अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। शायद यही वजह है कि सबकी दुआएं काम आ गई और दिलीप साहब स्वस्थ होकर अब घर वापस लौटेंगे। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।